फ्यूजी XT30 एक्चुअली है क्या? ये कुछ नहीं है, ये एक अटेम्प्ट है फ्यूजी का कि जितना ज़्यादा हो सके APS-C मार्केट को कवरअप किया जाए, APS-C मार्केट शेयर को और गेन किया जाए। आज हम बात करेंगे फ्यूजी XT30 कैमरे की, जो कि आने वाला है, बहुत ही जल्द ऑफिशियल होने वाला है। अभी हमारे पास उसकी इमेजेस भी, वी हैव द इमेजेस ऑफ द कैमरा, वी हैव द मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैमरा। तो ये जो मेजर स्पेसिफिकेशन है, इससे ये चीज़ें रिवील होती हैं कि जो सेंसर फ्यूजी XT3 कैमरा के अंदर है, वही सेंसर आ रहा है फ्यूजी XT30 कैमरे के अंदर। और मेजर स्पेसिफिकेशन आप अगर करते हैं वीडियो की और स्टिल इमेजेस की, तो सेम ही है, क्योंकि इमेज सेंसर सेम है, आपको इमेज क्वालिटी सेम मिलनी है, वीडियो क्वालिटी भी आपको सेम मिलनी है। अंतर कहाँ हो जा रहा है, तो जो रियर स्क्रीन की रेजोल्यूशन है उसमें थोड़ा सा ड्रॉप है, हेडफोन पोर्ट एब्सेंट है, फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन पोर्ट नहीं है, डुअल कार्ड स्लॉट के मतलब सिंगल कार्ड स्लॉट आपको मिलेगा, और इससे ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, वेदर सीलिंग भी एब्सेंट है। तो ले दे के आपकी इमेज और वीडियो क्वालिटी में कोई असर नहीं पड़ना है। ऑफकोर्स ये कैमरा फ्यूजी XT3 से काफ़ी सस्ता रहेगा, तो जो पैसे आपके बचेंगे उससे आप ये अच्छी लेंसेस खरीद सकते हैं, क्योंकि लेंसेस के बिना कैमरा के आउटपुट को ले पाना पॉसिबल ही नहीं रहता है। अच्छी लेंसेस ज़रूरत होती है हर एक कैमरे की। तो मेरी समझ से फ्यूजी XT30 अभी मार्केट का सबसे अच्छा APS-C मिररलेस कैमरा है, इवन बेटर देन द फ्यूजी XT3। रीज़न यही है क्योंकि फ्यूजी XT3 के प्राइस रेंज पे ये कैमरा नहीं आ रहा है, काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा, अपने रेंज पे आएगा, मिड रेंज पे आएगा। और जो सेंसर रहेगा वो फोर्थ जनरेशन एक्स ट्रांस 26 मेगापिक्सल का सेंसर रहेगा, तो वही परफॉर्मेंस आपको मिलनी है जो कि XT3 कैमरे से मिल रही थी। और हमें ये पता है कि XT3 कैमरा अभी मार्केट को लीड कर रहा है, क्योंकि कैनन के पास कोई ऑप्शन अभी बचा नहीं है। फ्लैगशिप APS-C कैमरे की बात करें हम, 7D Mark II कैमरा ओवर आउटडेटेड है, 80D में भी अब किसी ने कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, 80D से ज़्यादा की सेल अभी 200 DSLR कैमरे की है मार्केट में। दूसरी बात, अगर हम निकॉन की तरफ देखें तो निकॉन अभी तक हाइब्रिड सेंसर्स का अडॉप्ट ही नहीं कर पाया है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने काफ़ी सारे पेटेंट्स देखे हैं, निकॉन वर्क कर रहा है, पर वो वर्क कब सक्सेस होगा उनका, कब वो हाइब्रिड सेंसर्स लाएंगे अपने DSLRs के अंदर, एक किसी को पता नहीं है। तो फिलहाल निकॉन के अंदर काफ़ी लिमिटेड लोग परचेस कर रहे हैं DSLRs कैमरे को, क्योंकि हाइब्रिड शूटर बिल्कुल ही नहीं परचेस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वीडियो AF करके कुछ है नहीं उतना अच्छा। और अगर हम सोनी की तरफ देखें तो सोनी में भी A7000 कैमरा आने वाला है, काफ़ी सारी रिवर्स आती हैं sonyalpharivers.com नोकोसीता की तरफ से। तो हम अगर पूरी एक मार्केट की रेंज को देखें कि सोनी के पास क्या ऑप्शन है, कैनन और निकॉन के पास, तो इन तीनों कंपनी में कोई भी अच्छा फ्लैगशिप कैमरा अभी अवेलेबल नहीं है। A6500 कैमरा भी अपडेट का इंतज़ार कर रहा है। तो इस दौरान फ्यूजी XT3 जो कैमरा फ्यूजी ने अनाउंस किया था मिड 2018 में, वो काफ़ी अच्छी तरह से उभरा मार्केट में, काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया, खरीदा भी। अब फ्यूजी एक बहुत ही अच्छा गेम खेल रही है, वो फ्यूजी अनाउंस कर रही है एक अफोर्डेबल फ्यूजी XT3 कैमरा, वही सेंसर आपको मिलने वाला है जो कि फ्यूजी XT3 में आपको मिला था, अब मिलेगा XT30 के अंदर एक अफोर्डेबल प्राइस में। फ्यूजी XT30 एक्चुअली है क्या? ये कुछ नहीं है, ये एक अटेम्प्ट है फ्यूजी का कि जितना ज़्यादा हो सके APS-C मार्केट को कवरअप किया जाए, APS-C मार्केट शेयर को और गेन किया जाए, क्योंकि इस समय कोई भी अदर कंपनी का फ्लैगशिप कैमरा लिटरली एब्सेंट है। तो अगर आपके सामने कंपटीटर नहीं हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है मार्केट को अपने काबू में लेना, मार्केट शेयर में अपना गेन और बढ़ाना। तो इस समय लिटरली फ्यूजी के सामने कोई ऐसा कंपटीटर है नहीं, और वो XT3 सेल्स, जब XT3 के अनाउंसमेंट के 6 से 7 या 8 महीना का टाइम क्रॉस कर गया, एक मैक्सिमम सेल्स को उन्होंने रीच कर लिया, और अब डाउन वो देख रहे हैं कि XT3 के सेल्स में अब थोड़ी डाउन फॉल हो रही है, तो उन्होंने एक अफोर्डेबल वर्जन लॉन्च कर दिया। वही 26MP सेंसर जो कि हमने देखा था XT3 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह आती है कि उन्होंने अपने एक्स प्रो सीरीज़ कैमरे को अपडेट नहीं किया है, XH सीरीज़ को छोड़ा हुआ है, उन कैमरों में उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया फोर्थ जनरेशन का एक्स ट्रांस सेंसर।
उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने ये समझा कि एक अफोर्डेबल बॉडी लॉन्च की जाए जो कि मार्केट को कवर अप कर ले। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है फ्यूजी की। ये चीज़ बाकी कंपनियों को भी समझनी चाहिए कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग ए हायर पुटिंग दैट सेंसर इन ए हायर प्राइस रेंज बॉडी, उन्होंने एक अफोर्डेबल बॉडी में उस सेंसर को डाल दिया और मार्केट में वो उसे छोड़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छा कैमरा है और ज़रूर मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं मार्केट का बेस्ट APS-C कैमरा लेने के लिए तो फ्यूजी X T30 आने वाला है, ज़रूर उसे लें। X T3 से भी ये कैमरा बेटर इस सेंस में है क्योंकि प्राइस कम है, प्राइस वर्सेस स्पेसिफिकेशन रेशियो इस कैमरे का सबसे अच्छा है, सबसे उम्दा है अभी के मार्केट में। तो X T30 कैमरा ज़रूर परचेस करें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं APS-C सीरीज़ में, लेना चाहते हैं फ्लैगशिप APS-C कैमरा अपने लिए। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपना लाइक हमें ज़रूर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।